अकेली बहू। कविता की सास बहुत तेज थी और उसका पति माँ का गुलाम। ऐसे में कविता के पास सिर्फ एक रास्ता बचा। मेरे पापा के पास अब पैसे नहीं है देने के लिए। शादी को 6 महीने नहीं हुए और 10 बार आप लोगों ने मुझे पैसे लेने के लिए घर भेजा है। वो कहाँ से मैनेज करेंगे? शर्म नहीं आती? माँ से ज़बान चला रही है। अरे 10,000 भी नहीं है क्या तेरे पापा के पास? घर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा मतलब? शादी की है मेरे पापा ने। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं, और तुम्हारा बिजनेस कैसे क्या चलेगा? पापा थोड़ी ना चलाएंगे घर हम लोगों का, हमें ही तो काम करना पड़ेगा। जा फिर काम कर, घर का काम कर, फिर ऑफिस जा, सैलरी ला कर मुझे दे, और बीच बीच में अपने बाप के घर से पैसे भी लेकर आ। अरे बिजनेस है नहीं, करना है, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? इंद्र भगवान तो नहीं देंगे ना पैसे, वो तो तुम ही लेकर आओगी मायके से। देखिए मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मैं पापा के घर नहीं जाऊंगी। अभी मेरी छोटी बहनें भी हैं कंवारी, उनकी भी शादी करनी है पापा को। देखो मैंने सिर्फ शादी पैसे के लिए की थी, पापा के पास पैसे है तो ले आओ, वरना कोई और घर देख लो। क्या क्या मतलब कोई और घर देख लो? अरे भीख नहीं मांग रही हूँ मैं, शादी की है और जानते हैं ना शादी तोड़ने पर क्या देना होता है। तभी वहां ससुर जी आ जाते हैं। हाँ जी हाँ, धमकियां दी जा रही हैं। अरे कल की आई लड़की पता है ना कहाँ कहाँ पहचान है हम लोगों की, और अगर ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की तो बाकी बहनों को भी शादी नहीं होने देंगे, समझे? सारा पैसा बाप का कोर्ट कचहरी में लगा देना। कविता को ससुर की बात समझ में आ जाती है और वो डर जाती है। वो समझ नहीं पाती कि वो क्या करे कि सास बोल पड़ती है। सुन, कल सुबह पहली फुर्सत में अपना कपड़ा बांध कर निकल जाना। कैसी बात कर रही है माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी? पापा के घर में पहले ही 2 बहनें बैठी हैं शादी करने के लिए। बदल गई ना बोली, बहुत चहक रही थी। अब हमने क्या धर्मशाला खोली है जो पनाह दूं किसी भी भिखारी को? कविता को उसकी सास पूरे सामान के साथ घर से बाहर निकाल देती है। माँ के घर तो नहीं जाऊंगी पर क्या करूं? तभी उसे अपनी सहेली का ख्याल आता है और वो उसके घर चली जाती है। अच्छा किया तूने कविता जो उन लोगों का घर छोड़ दिया, अब आराम से यहाँ रहकर नौकरी ढूंढ, पढ़ी लिखी है, अच्छा कमा, पापा की भी मदद कर। और कहने को भी हो जाएगा कि नौकरी के कारण अलग शहर है इसलिए अकेले रहना पड़ रहा है। कविता वैसा ही करती है और जल्द ही उसकी मेहनत रंग लाती है और नौकरी लग जाती है एक अच्छी कंपनी में बड़े पद पर। फिर एक दिन, थैंक्स शिल्पा तूने मेरी मदद की, अब मेरी नौकरी लग गई है, मैं अलग फ्लैट ले लेती हूँ। सहेली से विदा लेकर वो एक फ्लैट किराए पर लेती है जहाँ पहले दिन ही नौकरानी आती है। मैम साहब जी आप नए आए हैं मैंने सुना, कोई काम वाली की जरूरत है क्या? हाँ हाँ है ना, आ जाओ। नौकरानी काम का पूछती है। कितने लोग हैं, क्या क्या करना होगा? अकेली हूँ मैं, सारा काम करना होगा। अकेली? तो फिर काम क्या होगा? अब घर में काम तो मर्दों से ही होता है। कविता को गुस्सा आ जाता है। क्यों, अकेली औरत खाना नहीं खाती, घर साफ नहीं करती, कपड़े नहीं धोती? नौकरानी चुपचाप काम पर लग जाती है। कविता के लिए ये सवाल बहुत था कि अकेले उसे समाज कैसे देखेगा। ऑफिस में शाम को एक लड़का मिलता है। हेलो कविता, सुना अकेली रहती हो, पति कहाँ रहता है? वो मैं तलाक लेने की प्रोसेस में हूँ। ओहो हो, कोई ना, देखो शादीशुदा तो मैं भी हूँ, 2 बच्चे भी हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ परिवार की छिक छिक। चलो मैं तुम्हें डिनर पर ले चलता हूँ, अकेली रहती हो तो अकेली रहती हूँ लेकिन बहुत खुश हूँ। वैसे आपका तो परिवार है, 7 बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ डिनर पर जाना चाहते हैं तो अकेले होने से क्या होता है? वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। कविता को समझ में नहीं आता कि आखिर उसके अकेले होने से फर्क क्या पड़ता है। उधर उसके ससुराल वाले, मामा
सुना है कविता की बड़ी कंपनी में लाखों की नौकरी लगी है। क्या बात है बेटा, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लगती है, चल घर ले आते हैं। पर माम, मैंने तो तलाक के लिए अर्जी दे दी थी, किस मुंह से लेने जाऊं? अरे इसी मुंह से जाएगा, और किस मुंह से जाएगा, बोल देना गलती हो गई, याद आ रही थी। वैसे भी अकेली को तो समाज जीने नहीं देता। कह दे, सबको पति की जरूरत होती है, तुम्हें भी मेरी जरूरत होगी ना? हाँ माँ, ये तो है, इस बात पर तो वो भाग कर आएगी और साथ में लाएगी लाखों की सैलरी। कविता का पति उससे मिलने उसके ऑफिस पहुंच जाता है। कविता पति को सामने देखकर हैरान हो जाती है। कैसी हो कविता? मैं तो ठीक हूँ, सॉरी वक्त नहीं मिल पाया, तलाक पेपर पर साइन तो कर दिए हैं, कुरियर करने ही वाली थी, वैसे आ गए हैं तो लेकर ही चले जाओ। पति कविता के सामने जाल फेंकता है। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकर तो जाऊंगा ही, लेकिन तलाक के पेपर नहीं, तुमको। कविता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। देखो मैं भी साथ रहना चाहती थी, पर तुम्हारी माँ, क्या हम लोग अलग होकर रह सकते हैं? अब नहीं नहीं, मैं माँ को नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं माँ को समझा दूंगा, वो मान जाएंगी। फिर अब तो तुम नौकरी भी कर रही हो, अरे कौन सा उनके साथ उनके घर पर रहना है। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ बिजनेस शुरू करने के लिए, कहीं से लोन या किसी रिश्तेदार से पैसे ले लेता हूँ। नहीं नहीं, पैसे तो है मेरे पास, वो ले लेना। और कविता अर्णव के साथ घर आ जाती है। आओ आओ बहू आओ, माफ कर दो, गलती हो गई, वो क्या है ना, घर तो घर ही नहीं लग रहा था। मुझे भी माँ जी अकेले रहना ठीक नहीं लग रहा था। थोड़े दिन तक सब ठीक चलता है, लेकिन फिर एक दिन। क्या बात है बहू, इस महीने पैसे नहीं दिए मेरे हाथ में। माँ जी खर्चे क्या है बता दीजिए, मैं पैसे निकाल दूंगी, वो क्या है ना, सैलरी बैंक में जाती है। मतलब ये कहना चाहती हो कि पैसा बैंक में रहेगा? अरे ना 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 ना, एक एक पैसा मुझे मेरे हाथ में चाहिए, और बेटे को जो पैसे दिए थे बिजनेस के लिए वो कम पड़ गए हैं, तो अगले महीने की सैलरी एडवांस ले लेना, समझी? नहीं, कभी नहीं, मैं अपने पैसे किसी को किसी हालत में नहीं दूंगी। तो फिर समझ ले, इस घर से बाहर का रास्ता वो वहां से जाता है। हाँ कविता, पैसे कमा रही हो तो सारे पैसे घर पर दो, बैंक में क्यों रखना है तुमको? और देखो, मैं कोई बिजनेस विजनेस नहीं करने वाला, कमाई का जिम्मा तो तुम्हारा ही होगा। ओहो, तो कमाई देखकर आप लोगों ने मुझे घर पर बुलाया था चालाकी से? और नहीं तो क्या, हुस्ने परी हो क्या तुम कोई? अरे अकेली औरत का अकेले रहने का मतलब समझती हो ना क्या होता है? नहीं रह पाओगी अकेली, अरे रहने को छत दे रहे हैं, ये क्या कम है? और मैं पति का नाम भी दे रहा हूँ। ये किसने कहा कि औरत अकेली नहीं रह सकती है? मेरे पिता ने मुझे मजबूत बनाकर समाज में रहना सिखाया है, जिससे मैं आप जैसी औरतों का और समाज में अर्णव जैसे गंदे आदमियों का सामना कर पाऊं। बाकी औरत अकेले रह सकती है, बस शर्त है आप जैसे समाज के लोगों को वो इग्नोर कर दे। मैं चली, क्योंकि मुझे मेरे पिता ने आत्मसम्मान के साथ रहना सिखाया है, फिर वो किसी के साथ हो या अकेले फर्क नहीं पड़ता।